हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं जो पोएम आपको डिस्क्राइब करके बतलाने जा रही हूँ उसका नाम है द हार्प ऑफ इंडिया बाय एचएलवी डेरोजियो। फुल नेम है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। एक्चुअली ये पोएम जब लिखा गया था अराउंड 18th सेंचुरी में, तब हमारा देश पूरी तरह से ब्रिटेन की गुलामी में आ चुका था। हम पूरी तरह से गुलाम बन चुके थे, जिसकी वजह से हमारे देश के अपने कल्चर, ट्रेडिशंस, पोएट्री ये सब कुछ खत्म हो रहे थे, मर रहे थे। और तभी डेरोजियो, जो कि एक्चुअली तो थे एंग्लो इंडियन बट ये बहुत बड़े देशभक्त थे, और इसलिए उनकी जो पोएट्री होती थी वो पूरे पेट्रियोटिज्म से भरी होती थी। ही वाज आल्सो एजुकेशनल रिफॉर्मर। तो ये जो पोएम है वो एक्चुअली उन्होंने एक मेटाफर के फॉर्म में लिखा है, मतलब इंडियन लिटरेचर, द ग्रेट इंडियन लिटरेचर की तुलना उन्होंने हार्प से की है। हार्प कहते हैं हम एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, एक स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको कि हार्प कहते हैं। और ये पूरे पोएम में उन्होंने हार्प यूज किया है एज अ मेटाफर, एज इट इज कंपेयर्ड टू द ग्रेट क्लासिक पोएट्री, द क्लासिकल म्यूजिक ऑफ इंडिया। तो मैं जब पोएम डिस्क्राइब करूंगी तो फर्स्ट मैं इसका लिटरल मीनिंग बतलाऊंगी, जो ये मीन, जो लाइन इसका मीन कर रहा है, देन क्या सेंस है इसके पीछे, क्या सिंबल है इस लाइन का, देन आई विल टेल यू दैट। व्हाई हैंग्स दाउ लोनली ऑन यॉन विदर्ड बो, अनस्ट्रंग फॉरएवर मस्ट दाउ देयर रिमेन। ना ये जो वर्ड है दाउ, ये आर्काइक इंग्लिश का वर्ड है दाउ, जिसका मीनिंग होता है यू। एंड withered, withered means something that is decayed, that is old, or bow means that means a branch of a tree. तो जो harp है उससे कहा जा रहा है कि ये actually this poem starts with a rhetorical question, उससे कहा जा रहा है कि क्यों तुम अकेले वहाँ पे टंगे हुए, means कि useless, वो इतनी harp एक इतनी important चीज है, इतनी valuable चीज है, वो क्यों उस पेड़ पे एक सूखे हुए पेड़ पे क्यों टंगी हुई है, क्या ऐसे ही ये रह जाएगा हमेशा के लिए, इसको कोई भी, इसमें स्ट्रिंग्स नहीं देगा, मतलब इसको कोई भी प्ले नहीं करेगा, बजाएगा नहीं। मींस इस लाइंस के थ्रू पोएट ये बतलाना चाह रहे, कहना चाह रहे हैं कि जो हमारा रिच ट्रेडिशन है, हमारा रिच कल्चर है, हमारा रिच पोएट्री है हमारे देश की, क्या वो इसी तरह से सूख जाएगी, खत्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, क्या कोई भी इसको फिर से रिवाइव नहीं करेगा, क्या ये इसी तरह सूखी जाएगी, कोई इस पे ध्यान नहीं देगा, इंटरेस्ट नहीं शो करेगा, और क्या हमेशा के लिए इसी तरह ये मर जाएगी, इसको कोई भी फिर से रिवाइव क्या नहीं करेगा। Thy music once was sweet, who hears it now? Means जो rhetorical questions होता है that tries to say who hears it now, मतलब कि अब इसको कोई भी नहीं सुनता है, that is what these questions try to say. तो thy music, thy stands for of course harp, means music जो है harp की, जो कि एक बार sweet थी, अब उसको कोई नहीं सुनता, means हमारे जो classic songs थे, classic poetry थी, जो कि sweet थी, जब एक time में लोग उसकी value करते थे, और अब उसको कोई भी नहीं सुनता, उसकी कोई भी value नहीं करता। Why doth the breeze sigh over thee in vain? Dot is also an old English word, जिसका जो कि does की जगह पे stand करता है, and the is an objective case of thou, it stands for you. तो why does the bridge sigh over thee in vain? तो जो एक breeze होता है, जो हवा चलती है, तो वो music को बहुत अच्छे से carry करती है, smell को carry करती है, तो जो breeze है वो जो तुम्हारे ऊपर से बह रहा है, तो वो भी बेकार है, in vain means वो भी एक sound produce नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि वो एक मरे हुए चीज की तरह वो लाई कर रही है, जो एक पोएट्री थी, जिसको कि बहुत आराम से वो फैलती थी, जो हमारा कल्चर था, जो बहुत आराम से फैलता था, वो आज हवा के बहाव में भी वो उसको बहा नहीं पा रहा, उस फॉर्म ऑफ पोएट्री को, उस कल्चर को, उस सॉन्ग को वो अपने साथ नहीं ले जा पा रहा, हवा भी अब उसमें कोई इफेक्ट अपना नहीं डाल पा रही। Silence hath bound thee with her fatal chain. Hath stands for has, and silence, जो शांति है, one second, chain जो है वो slavery से, वो गुलामी से related word है, chain, जंजीर, fatal means deadly. तो जो silence है, जो हमारी चुप्पी है, जो हम अपने हक के लिए, अपने culture को बचाने के लिए, अपने classic poetry songs को बचाने के लिए लड़ नहीं पा रहे, वो जो शांति है हमारी, जो हम में हिम्मत की कमी है, उसने हमारे हाथ, हमारे को जैसे जंजीरों से बांध लिया हो,
एक फैटल चेन, मतलब एक डेडली चेन, जो कि हम अपने ही कल्चर को रिवाइव नहीं कर पा रहे. हम साइलेंट हो गए हैं, हम चुप हो गए हैं, हम कोशिश तक नहीं कर रहे हैं. नेग्लेक्टेड म्यूट एंड डेसोलेट आर्ट दाउ लाइक रुइंड मॉन्यूमेंट ऑन डेजर्ट प्लेन. तो यहाँ पे सिमिले यूज हुआ है, मतलब कि तुम जो हो, तुम ऐसे नेग्लेक्टेड पड़े हुए हो. ये पोएट कह रहे हैं हार्प से. मीन्स इन सिंबॉलिक है ये कि जो हमारे इंडियन पोएट्री है वो ऐसे पड़ी हुई नेग्लेक्टेड है, एकदम म्यूट हो गई है, साइलेंट हो गई है. और डेसोलेट मीन्स लोनली, इतना अकेली वो पड़ी है. आर्ट, आर्ट मीन्स आर, आर यू, तुम इतने नेग्लेक्टेड हो गए हो. हमारे इंडियन पोएट्री को कह रहे हैं पोएट, जैसे कि कोई मॉन्यूमेंट, कोई एक रुइंड बर्बाद मॉन्यूमेंट किसी रेगिस्तान में पड़ा हो. जैसे एक रेगिस्तान वैसी सुनसान जगह होता है, वहां पे भी एक मॉन्यूमेंट ऐसा जो कि रुइंड है, बर्बाद है, ठीक उसी तरह से तुम नेग्लेक्टेड हो गए हो. लोग तुमको नजरअंदाज कर रहे हैं, लोग तुम्हारी केयर नहीं कर रहे हैं. तो एक्चुअली आप देखिएगा अगर इस पोएम को, तो ये 14 लाइंस का पोएम है. और एक्चुअली एक इंग्लिश, तो 14 लाइंस के पोएम को हम सोनेट बोलते हैं. तो एक इंग्लिश सोनेट जो होता है, जैसे हम लोग अगर आप मेरा सोनेट का वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें सोनेट का जो इंग्लिश सोनेट होता है उसका राइम स्कीम होता है ए बी ए बी सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी. लेकिन ये जो पोएम है इसका राइम स्कीम ये है ए बी ए बी बी ए बी सी डी सी डी सी ई ई. या आप इसलिए भी कह सकते हैं कि हम लोग, ये जो पोएम लिखा है डेरोजियो ने, वो इंग्लैंड के खिलाफ लिखा है. तो वो कैसे इंग्लिश राइम स्कीम को फॉलो करते, तो इसलिए उनका राइम स्कीम भी डिफरेंट है. लेकिन ये एक सोनेट है, ये एक 14 लाइंस का पोएम है. प्लस जैसे कि एक सोनेट में होता है कि फर्स्ट 8 लाइंस में एक प्रॉब्लम को रखा जाता है, लास्ट 6 लाइंस में उसका सॉल्यूशन बताया जाता है, ठीक उसी तरह से ये पोएट ने क्या किया है, 8 लाइंस नहीं 7 लाइंस में ये जो प्रॉब्लम है उसको रखा है. प्रॉब्लम क्या है, तो डिक्लाइन ऑफ इंडियन पोएटिक ट्रेडिशन, भारतीय पोएटिक ट्रेडिशन का जो एक गिरावट है उसको रखा है 7 फर्स्ट 7 लाइंस में. एंड देन जो लास्ट के 7 लाइंस है उसमें उस प्रॉब्लम को उन्होंने सॉल्यूशन बतलाया है. क्या सॉल्यूशन, कि हम उसको रिवाइव करें. वो जो मर रही है, जो पोएटिक ट्रेडिशन डाई कर रही है, वो जो मर रही है उसको हम रिवाइव करें. जो पोएट्स आज के हैं वो अपने एफर्ट्स से उसको फिर से जिंदा करें. तो ये 7 लाइंस था जिसमें उन्होंने वो प्रॉब्लम को बताया कि कैसे हमारी परंपरा, हमारे ट्रेडिशंस, पोएम्स मर रहे हैं. अब 7 लाइन में बताएंगे कि हम कैसे उसको रिवाइव कर सकते हैं. ओ मेनी अ हैंड मोर वर्दी फार देन माइन Once thy harmonious chords to sweetness gave. ओ कितनी बार, यहाँ many a hand means कि बहुत सारे ऐसे poets, ये hand जो that means the hands of various poets, the hands of various musicians जो कि harp बजाते हैं, तो वो बहुत सारे poets जो कि Indian poems को create करते थे. तो ये कह रहे मेरे से बहुत अच्छे अच्छे poets ने बहुत अच्छी अच्छी म्यूजिक क्रिएशंस किए, बहुत अच्छी अच्छी पोएम्स लिखे हैं. और तुम्हारे जो कल्चर है, मतलब कि जो इंडियन ट्रेडिशन, पोएट्री ट्रेडिशन है हमारे देश की, पोएटिक ट्रेडिशन, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पोएम्स लिखे हैं और हमारे कल्चर को और भी स्वीटनेस दिया है, उसमें रिचनेस ऐड किया है. एंड मेनी अ रेथ फॉर देम डिड फेम इंटवाइन और फ्लावर स्टिल ब्लूमिंग ऑन द मिनस्ट्रल्स ग्रेव. नाउ रेथ कहते हैं एक फूल का, फ्लावर्स का एक माला टाइप का, जिसको गूंथ के एक इनसर्कल भी कर सकते हैं. दैट एंड फेम, जैसा आप लोग जानते हैं फेम मतलब नाम, यश. तो बहुत सारे हमारे देश में हमारे ऐसे पोएट्स हुए, म्यूजिशियंस हुए, जो कि इस देश को उन, मतलब माला, रेथ मीन्स व्हाट, हम कह सकते हैं गार्लैंड, एक फ्लावर्स का कलेक्शन. तो हम क्यों किसी को कब पहनाते, जब वो कोई बड़ा काम करते हैं. तो हमारे देश के ऐसे बहुत सारे पोएट्स हो चुके हैं जिन्होंने हमारे देश को, हमारी पोएट्री को एक नाम दिलाया है, एक यश दिलाया है. और वो जो फ्लावर्स होते हैं, वो जैसे आज भी मिनिस्ट्रल कहते हैं म्यूजिशियन को, तो एक हार्प से चूंकि हमारे पोएट्री की तुलना की गई है, तो एक म्यूजिशियन के ग्रेव, ग्रेव मतलब कब्र पर आज भी फूल जैसे खिलते हैं. तो मीन्स वॉट, कि वो भले ही वो जो पोएट्स थे, हमारी पोएट्री जो है
वो भले ही मर रही हो लेकिन आज भी उम्मीद है उसके खिलने की। जैसे एक मिनिस्ट्रल के ग्रेव पे फूल खिलता है, मींस वो भले ही वो आदमी मर गया, उसका वो कब्र हो, लेकिन फिर भी जो कुछ उसने कर वो जो कुछ किए हैं वो सब उनके जाने के बाद भी अमर रहता है, वो तब भी एक खुशबू देते रहता है। ठीक उसी तरह से जो हमारे देश के और भी लोग हैं, जो हमारे देश के रिसेंट पोएट्स हैं, प्रेजेंट उस टाइम के जो प्रेजेंट डे पोएट्स थे, वो अगर चाहें तो हमारे देश के ट्रेडिशंस को, पोएटिक कल्चर को फिर से रिवाइव कर सकते हैं। दोज हैंड्स आर कोल्ड बट इफ दाई नोट्स डिवाइन मे बी बाई मॉर्टल वेकेंड वंस अगेन। अब वो कह रहे हैं पोएट जो है डेरोजियो जो है कि वो हाथ भले कोल्ड, दोज हैंड्स आर कोल्ड मीन्स those poets, those musicians are dead. Cold here means dead. तो वो जो musicians थे जिन्होंने उतनी बड़ी बड़ी रचनाएं की हैं, हमारे देश के जो traditional poetic traditions जो थे उसमें जो poems उन्होंने लिखे हैं, जो classic writings उन्होंने की हैं, वो poets भले ही मर गए हों लेकिन अगर notes means tune, melody और song, लेकिन अगर उन्होंने जो create किया, जो उनकी creations थे, वो अगर divine हैं, वो अगर अमर हैं, वो अगर वो भगवान के तुल्य हैं, तो उनको फिर से जगाया जा सकता है। तो हमारे देश की जो पोएटिक ट्रेडिशन है उसको फिर से जगाया जा सकता है। कोई ह्यूमन बीइंग, कोई मॉर्टल बीइंग, जो मॉर्टल हियर स्टैंड्स फॉर ह्यूमन बीइंग, तो जो ह्यूमन बीइंग है वो उसको फिर से जगा सकता है। हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन। और यहाँ पे माई कंट्री मतलब वो अपने देशभक्ति को यहाँ पे शो कर रहे हैं कि हार्प ऑफ माई कंट्री। तो हार्प जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि यहाँ पर एज अ मेटाफर यूज किया गया है फॉर द पोएटिक ट्रेडिशन, फॉर द पोएटिक कल्चर ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे देश के पोएटिक कल्चर को अगर रिवाइव करने की बात है तो पोएट कह रहे लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन। तो हमको स्ट्राइक द स्ट्रेन, स्ट्रेन मीन्स एफर्ट लगाना। तो कह रहे लेट मी स्ट्राइक, मुझे आप अनुमति दीजिए, लेट मी अलाउ मी कि हम अपने एफर्ट्स को लगाएं कि हम पोएम्स लिखें, हम फिर से कोशिश करें अपने रिच ट्रेडिशन को, अपने रिच कल्चर को फिर से हम सामने लाएं, हम फिर से दुनिया के आगे अपने कल्चर को शो करें। सो गाइज दिस वॉज द पोएम द हार्प ऑफ इंडिया बाई HLV डेरोजियो। सो ये डिस्क्रिप्शन आई गेस आपको समझ आ गया होगा। तो इसमें एक्चुअली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हार्प ऑफ इंडिया, तो हार्प एज अ मेटाफर शुरू से ही यूज किया गया है, मीन्स हार्प स्टैंड्स फॉर द म्यूजिक, द ट्रेडिशन पोएट्री, द ट्रेडिशनल पोएटिक, द पोएटिक ट्रेडिशन ऑफ आवर कंट्री। एंड सो पूरे पोएट्री में उसी को कंटिन्यू किया गया है, जैसे कि यहाँ पे हार्प ऑफ माई कंट्री लेट मी स्ट्राइक द स्ट्रेन, यहाँ पे मतलब कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट है तो वो कह रहे लेट मी स्ट्राइक इट, कि हमको बजाने दीजिए, मीन्स अलाउ मी टू जनरेट द दैट ट्रेडिशन वंस अगेन। तो चलिए कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच जो यूज हुए उसको हम डिस्क्राइब कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक्सटेंडेड मेटाफर पूरे पोएम में यूज हुआ है, हार्प द पोएटिक ट्रेडिशन ऑफ आवर कंट्री हैज बीन कंपेयर्ड टू द म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हार्प। देन एक और जगह यूज हुआ है लाइक यस, साइलेंस हैथ बाउंड दी विथ हर फैटल चेन, यहाँ पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है साइलेंस के लिए, हर यूज हुआ है, साइलेंस को एज अ ह्यूमन बींग ट्रीट किया गया है तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। देन सिनेक डोके यूज हुआ है यहाँ पे, हैंड्स यहाँ पे, मेनी अ हैंड यहाँ पे एज पोएट। सिनेक डोके क्या, जब हम एक पार्ट को होल के लिए यूज करते हैं तो पोएट्स के लिए हम यूज कर रहे हैं मेनी अ हैंड, यहाँ पे भी पोएट्स के लिए हम दोज हैंड्स यूज कर रहे हैं। तो सिनेक डोके यूज हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ है, मेटाफर यूज हुआ है। एंड देन सिमिली, यहाँ पे हम उस म्यूजिक कंपोजिशन की, उस पोएम की तुलना हम कर रहे हैं एक रुइंड मॉन्यूमेंट से, तो यहाँ पे भी लाइक यूज हुआ, सिमिली यूज हुआ। सो दीज आर सम फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस पोएम एंड दिस इज अ सॉनेट ऑफ कोर्स, राइम स्कीम इज हियर। तो आई गेस आपको ये पूरा पोएम अच्छे से समझ आ गया। स्टिल इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन प्लीज फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। इफ यू वांट टू गिव मी सम सजेशंस देन आल्सो यू कैन कमेंट मी और यू कैन इवन ईमेल मी एट माय ईमेल एड्रेस दैट इज swarnshika28@gmail.com और यू मे लीव मी अ मैसेज एट माय फेसबुक पेज, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड प्लीज बिफोर यू साइन आउट डोंट फॉरगेट टू हिट द थम्स अप बटन, share this video with your friends and subscribe for my channel if you haven't subscribed yet.
That's all. Thank you. See you in the next video. Till then, keep smiling and have wonderful days. And wish you all a very happy new year. Thank you.